नमस्कार, पंजाबी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मुद्दा जिसने देश की सियासत से लेके विदेशों तक में भी चर्चे कमाए, काफ़ी बातें हुई इस पर और कुछ लोग विरोधी थे जिन्होंने सबूत भी मांगे इस पर। काफ़ी राजनीति जो है, राजनीतिक घमासान इस पर मचा इस मुद्दे पर, और राजनीतिक पार्टियाँ आज भी इस मुद्दे पर बयानबाजियाँ कर देती हैं, बयानबाजियाँ दे देती हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर, और बीजेपी आज भी इस मुद्दे पर भुनाने की कोशिश करती है या ये कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। दो साल सर्जिकल स्ट्राइक के हो गए हैं और दो साल बाद सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के आतंकियों के कैंप को उड़ाया है। हालांकि इस वीडियो के पुष्टि नहीं हुई है कि ये वीडियो आखिर आया कहाँ से है और किसने दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो या तो ड्रोन से लिया गया है या सैनिकों के हेलमेट पे लगे हुए कैमरे से। चलिए आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो पूरा मामला था वो क्या था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 18 सितंबर 2016 से। 18 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के कैंप पे हमला होता है, आतंकी हमला, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना को खुफिया सूत्रों से ये पता लगता है कि सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ हिस्सों पे हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तोयबा के आतंकी जो हैं वो अपना कैंप बना के बैठे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने बदला लेने की सोची और कहा कि इन आतंकियों का जो कैंप है उसे जड़ से उन्हीं के घर में घुस के यानी पाकिस्तान बॉर्डर पार जाके ख़त्म करना है। और उसके बाद उस 19 सितंबर 2016, ये वो दिन था जब भारतीय सेना LOC के पार जाती है और पार जाने के बाद आतंकियों को कैंप को तबाह करके वापस आ जाती है, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति और सियासत गर्म हो जाती है। कई लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक जो है इसकी सबूत की भी मांग की कि सबूत पेश करें कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया भी कि नहीं किया। सेना पे भी सवाल उठे, सरकार पे भी सवाल उठे, वहीं सरकार इस पूरे मामले को भुनाती हुई नजर आई। राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी, राजनीतिक उठा पटक का माहौल जो था वो बन गया था, एक भूचाल सा आ गया था भारतीय राजनीति में। लेकिन इस पूरे मामले के दो साल बाद इस वीडियो का सामने आना, ये कहा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देना है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इसका सबूत के तौर पे देखा जा रहा है कि इस वीडियो को उसके सबूत के तौर पे पेश किया गया है, जो कि लगातार कुछ पार्टीज़ और कुछ लोगों से मांग की जा रही थी कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए। उस सबूत के तौर पर शायद सेना ने ये वीडियो जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वीडियो में जो रही, इस वीडियो के कहाँ से आया है, कैसे आया है, अभी इसकी पुष्टि ना तो हम करते हैं और ना ही पंचायती टाइम्स करता है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम फेसबुक यूट्यूब के जरिए आप तक तो पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।